या हेलो यू ऑल गाइस नाउ वी आर बैक विद द न्यू लेसन सिंपल फ्यूचर टेंस इसके पहले मैंने सब कवर कर दिया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस नाउ वी आर हेयर विद द न्यू वन सिंपल फ्यूचर टेंस तो फार्मूला इसका इजीली देख लो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन प्लस ओ तो इसका डिफरेंस मैं बता दूंगा विल कैसे कहाँ यूज़ करना है और शैल कहाँ यूज़ करना है शैल देखो शैल हमेशा आई और वी के साथ आएगा ये दोनों सब्जेक्ट हैं जहाँ आई आया वहाँ तुम शैल भी यूज़ कर सकते हो विल भी यूज़ कर सकते हो और सेम एज़ विद द वी वी के साथ भी शैल यूज़ कर सकते हो विल यूज़ कर सकते हो वी विल वी शैल या फिर आई विल आई शैल ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एग्जाम्पल्स सबसे पहला एग्जाम्पल देखो वह कल कॉलेज जाएगा ठीक है इसमें वह है मीन्स इसमें सब्जेक्ट है वह ही जाएगा विल गो टू द कॉलेज कल टुमारो मीन्स वह कल कॉलेज जाएगा विल गो टू द कॉलेज टूमोरो ठीक है टेन क्वेश्चन देखो मैं खाना खाऊंगा देखो मैं इसमें आया हूँ आय आई के साथ मैंने बताया आपको विल भी लगा सकते हो शैल भी लगा सकते हो नो बॉडी विल करेक्ट यू ओके दोनों का दोनों राइट right है पहले शैल यूज़ किया जाता था अब विल यूज़ किया जाता है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में विल इज एक्सेप्टेड विल एक्सेप्ट किया गया है तो आप विल यूज़ करोगे नो बडी विल टेल यू एनी थिंग शेल यूज़ करो विल इज विल यूज़ करो कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको दोनों के दोनों राइट right है बोथ आर करेक्ट ओके तो मैं खाना खाऊंगा आई विल ईट द फूड और यू कैन ऑल्सो मेक इट आई शैल ईट द फूड दोनों का दोनों राइट है थर्ड वन देखो हम स्टेडियम जाएंगे हम मीन्स वी वी विल गो टू द स्टेडियम ये भी राइट है वी शैल गो टू द स्टेडियम ये भी राइट है ये तीनों के तीनों सेंटेंस है तीनों के तीनों सेंटेंस आप तीन सौ तीन हजार तीन करोड़ सेंटेंस बना सकते हो सेंटेंस पूरा बनाओ आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं नॉट को कहाँ रखना है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ देखो लेट्स सी द सेंटेंसेस ऑफ नेगेटिव तो ये रहा हमारे सामने नेगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहला सेंटेंस देखो वह कल कॉलेज नहीं जाएगा ही विल नॉट गो टू द कॉलेज टुमारो सिंपल सी है सेंटेंस इसमें करना क्या है विल के आगे नॉट लगा देना है सिंपल सी बात है कोई झंझट वाला काम नहीं है विल क्या के आगे नॉट लगाओ शैल के आगे नॉट लगाओ शैल जिसमें आएगा आई और वी में शैल आएगा शैल के आगे नॉट लगा देने का ठीक है तो सेकेंड सेंटेंस देखो मैं खाना नहीं खाऊंगा आई विल नॉट ईट द फूड और आई शैल नॉट ईट द फूड दोनों को दोनों सेंटेंस राइट है दोनों को दोनों सेंटेंस बनाओ आप नो बडी विल टेल यू एनी थिंग इज बिंदास बनाओ सेंटेंस ओके थर्ड सेंटेंस देखो हम स्टेडियम नहीं जाएंगे वी विल नॉट गो टू द स्टेडियम और यू कैन ऑल्सो मेक इट एज वी शैल नॉट गो टू दिस थीरियम बहुत सिंपल सेंटेंस थे बहुत सारे बना के देख लो आप सब आप सभी लोग बहुत मजा आएगा अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे बनते क्वेश्चन सेंटेंस के दो टाइप में बताया हूँ आपको पॉजिटिव सेंटेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं नेगेटिव सेंटेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं पॉजिटिव सेंटेंस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं लेट्स मूव फॉर्वर्ड टुअर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस तो ये रहे हमारे सेंटेंसेस पहला सेंटेंस देखो क्या वह कॉलेज जाएगा देखो सेंटेंस को देखने के पहले अगर आप पहले सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या हटा कर देखो क्या बनता है वह कल कॉलेज जाएगा देखो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया ठीक है तो हमें क्या वह कल कॉलेज जाएगा इसको बनाने के लिए हमने इंग्लिश में भी वैसे ही करेंगे विल ही गो टू द कॉलेज टुमारो अगर पॉजिटिव अगर इसको बनाना होता तो कैसा बनता है ही विल गो टू द कॉलेज टुमारो विल को पहले ले लिया हमने और ही को बाद में कर दिया तो बन गया विल ही गो टू द कॉलेज टुमारो ये क्वेश्चन बन गया हमारा ओके तो सेकेंड सेंटेंस देखो बहुत ईजी है ध्यान से देखो क्या मैं खाना खाऊंगा? विल आई eat द फूड या फिर बना सकते हो आप shall आई eat द फूड इसको अगर पॉजिटिव में बनाना होगा मैं खाना खाऊंगा। आई विल ईट द फूड अगर इसको नेगेटिव करना है आई विल नॉट eat द फूड अगर इसको क्वेश्चन करना है विल आई eat द फूड ठीक है थर्ड क्वेश्चन देखो क्या हम स्टेडियम जाएंगे तो विल वी गो टू द स्टेडियम या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो शेल वी गो टू द स्टेडियम एकदम सिंपल है बस एक चीज ध्यान रखो इसमें विल और शैल को सबसे पहले रखना है देन उसके बाद से सब्जेक्ट रखना है फिर सेंटेंस को वैसे रिपीट कर देना है पहला वाला वापस देखो ही विल गो टू द कॉलेज को हमने क्या बनाया विल ही गो टू द कॉलेज ये क्वेश्चन में इजीली कन्वर्ट हो गया अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे हम ठीक है लेट्स सी द एग्जांपल्स तो ये रहे क्वेश्चंस ऑफ नेगेटिव तो पहला सेंटेंस देखो डायरेक्ट क्या वह कल कॉलेज नहीं जाएगा विल ही नॉट गो टू द कॉलेज टुमोरो ऐसा बनेगा हमने पॉजिटिव का क्वेश्चन कैसे बनाया था विल ही गो टू द कॉलेज अब यहाँ देखो नॉट आया है ये नेगेटिव का क्वेश्चन सेंटेंस है ये तो विल ही के बाद नॉट लगा देने का देन सेंटेंस रिपीट कर देने का विल ही नॉट गो टू द कॉलेज तो सिंपल ये सेंटेंस वैसे ही बन गया सेकेंड देखो क्या मैं खाना नहीं खाऊँगा विल आई नॉट ईट द फूड और शैलाई नॉट ईट द फूड तीसरा सेंटेंस देखो क्या हम स्टेडियम नहीं जाएंगे विल वी नॉट गो टू द स्टेडियम या फिर शैल वी नॉट गो टू द स्टेडियम बहुत ईजी है देखो क्वेश्चन बहुत ईजी था पॉजिटिव वाला सेंटेंस कैसे बनाया था हमने नेगेटिव का विल ही गो टू द कॉलेज तो नेगेटिव कैसा बन गया विल ही नॉट गो टू द कॉलेज और दूसरे का भी देखो विल आई ईट द फूड विल आई नॉट ईट द फूड तीसरा देखो विल बी गो टू द स्टेडियम और विल बी नॉट गो टू द स्टेडियम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का इजीली एकदम कनेक्शन बैठ रहा है मतलब पहला विल लगाएंगे देन सब्जेक्ट लगाएंगे और सेंटेंस को रिपीट कर देंगे ये पॉजिटिव क्वेश्चन में और नेगेटिव क्वेश्चन में कैसा विल लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे फिर नॉट लगाएंगे देन सेंटेंस वैसी का वैसी रिपीट कर देंगे हम ओके तो ये रहे हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब सिंपल प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तीनों का तीनों मैंने बता दिया वो अब जो हम बताएँगे न्यू वीडियोज़ में वो होगा परफेक्ट टेंस ऑफ तीनों टेंस के मैं परफेक्ट टेंस बताऊंगा बहुत इजी तरीके से जैसे अभी बताया मैंने तो सेंटेंस बना के देखो आप सभी लोग नहीं आता तो कमेंट में कर दो पुट कर दो पुट आउट कर दो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और सेंटेंस बहुत इजी है बहुत इजी तरीके से लर्न विद द फन ओके टिल देन टेक केयर बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़